था तो यार यहाँ तो ज्यादा था। चल गो। हाँ ये देखिए, हम आपको मैग्नेटिक फील्ड का असर दिखाने वाले हैं। गुजरात के कच्छ जिले में बुद्ध जिले से लगभग 90 किलोमीटर दूर काला डूंगर नाम की एक जगह है, उसके पास में ही एक मैग्नेटिक फील्ड की जगह बनाई हुई है स्पेशल तौर से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चलती है, चढ़ाई के अंदर भी ऑटोमेटिक चलती है। अभी हम आपको इसको नज़ारा दिखाने वाले हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल में है और सामने की तरफ उधर आप देख सकते हैं स्लोप ढलान नहीं है बल्कि चढ़ाई है। उसके अंदर अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक जाएगी। अब ये गाड़ी देखिए बिल्कुल न्यूट्रल में है और अब आप हमको देखो दिखाने वाले हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन गाड़ी न्यूट्रल में है और अभी देखिए मैं बिल्कुल ही कोई रेस नहीं दे रहे हैं। ये ब्रेक से पाँव हटाऊंगा, दूसरा पाँव मेरा ये है, ये ब्रेक से पाँव हटाते ही ये देखिए कोई एक्सेलरेटर नहीं है और ये देखिए गाड़ी ऑटोमेटिक धीरे 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 रफ्तार पकड़ रही है अभी। ये देखिए ये 10 से 15-20 किलोमीटर की रेस पर आ चुकी है और ये धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है बढ़ती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं कि ढलान है, आगे चढ़ाई है। ये देखिए गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ रही है, ये इतना खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड का असर है। अपने आप जा रही है न्यूट्रल में। आ चुकी है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही गाड़ी जा रही है और जबकि आप सामने देख सकते हैं कि ढलान नहीं है, सामने ही देखिए सड़क के ऊपर ढलान नहीं है बिल्कुल भी। और ये गाड़ी की स्पीड देखिए 60 तक आ चुकी है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। गाड़ी 60 की स्पीड तक आ चुकी है, ये न्यूट्रल अभी न्यूट्रल गियर में है गाड़ी अभी भी, देख ले ये देख लीजिए गियर में है। और देखिए हम कितने स्पीड से चल रहे हैं, 60-65 की स्पीड आ चुकी है, सामने बस आ रही है, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। ओह माय गॉड, बहुत बहुत रुक गई और ये गाड़ी भाग रही है। यह है मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव। आप भी चाहें तो यहाँ आकर के प्रैक्टिकली इस चीज का आनंद ले सकते हैं। यस, ये मैंने खुद ने अनुभव करा है। सत्यमंत बंधु, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Thanks for watching.